कक्षा नौवीं। आशा है कि आप सब इकट्ठे हो गए होंगे ऑनलाइन क्लास के पढ़ने के लिए। आज हम हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी में व्याकरण में है क्या? है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। अब है परिभाषा। भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम, या फिर वो अर्थ में बदलाव करते हैं, तो उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में है, उदाहरण देखेंगे हम के कैसे प्रयोग करते हैं इनका। तो उदाहरण में बताया है प्रयोग, प्राधन योग, आहार आधन आहार, अधिकार अनुकूल, ये उदाहरण है। क्या है, क्या बताया? कि भाषा के वे अर्थमान छोटे छोटे खंड जो शब्दों में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं या अर्थ का बदलाव करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब है इनके मूल शब्द के, कैसे बना है योग प्रयोग, ये आहार कैसे बना है, ये इसके हम देखेंगे कि इसका उदाहरण में क्या बताया। मूल शब्द, मूल शब्द है योग। अब योग का हम बनाएंगे नया शब्द, क्या बनाएंगे? प्रयोग। तो फिर इधर शब्द रचना हो जाएगी प्राधर योग, फिर ऐसे ही बन जाएगा अपना ये हार हार आहार, क्या बनेगा? आहार आधन हार कार, ये उपसर्ग कैसे कैसे बनेंगे? आकार, कार का आकार। अब है कूल अनुकूल, जो हमने आगे देखा अनुकूल को कैसे तोड़ के अर्थ में बदलाव हो जाता है। यहाँ पर प्रा आ अधि अनुकूल, ये शब्द उपसर्ग हैं। आगे देखेंगे हम कि उपसर्गों के प्रकार कितने होते हैं। उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है आगत या विदेशी उपसर्ग, चौथा है उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अपव्यय। अब देखेंगे हम कि संस्कृत के उपसर्ग, इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत के उपसर्गों को क्या कहा जाता है? तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे कि नीचे दिया है शब्दों का, संस्कृत उपसर्ग से बने हुए शब्दों के बारे में, उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग युक्त शब्द। इसमें बताए हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग में दिया है शब्द का अति, अलग से लगने वाले शब्द है ना, अर्थ में बदलाव वाले शब्द। तो अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। अब इधर पे बन जाएगा उपसर्ग युक्त शब्द अति वृष्टि, अति क्रमण। क्या बन गए शब्द? अति वृष्टि अति क्रमण। अब इधर अधि उपसर्ग लिया गया है, तो अधि यानी ऊंचा, ऊंचा या श्रेष्ठ। अब इससे अधि से शब्द बनेंगे उपसर्ग युक्त, अधिवक्ता अधिनायक आदि। अब है अनुकूल उपसर्ग। अनुकूल उपसर्ग यानी अनुकूल, अनु का क्या कहलाता है अर्थ? पीछे या बाद में। अनु से बनाएंगे नए शब्द अनुगमन अनुसार आदि, ये सब उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना। अब ये सभी शब्द विशेषता बताने के लिए दर्शाए गए हुए। जैसे अव, इसमें क्या विशेषता? बुरा या हीन के बारे में बता रहा है। फिर ये तो अव से बन जाएगा अवगुण अवगति। आ, अब है आ, तक समेत परेत, आजन्म
ये सभी शब्द विशेषता बताने के लिए दर्शाए गए हैं। अब है अब, ये है उपसर्ग, इसको अब यानी क्या होता है, बुरा या हीन। इसमें उपसर्ग युक्त नए शब्द बनेंगे अब गुण, अब नति, अब है आ। आ का ये तक समेत पर्यंत है ये शब्द, इसलिए इसमें उपसर्ग का क्या हो जाएगा, आ जन्म, आ जन्म, आ मरण। फिर है उपसर्ग उप, इसका उप का अर्थ होता है निकट या समान, तो इसमें क्या, इससे जुड़ के क्या बनेगा, उपवन, उपवास, उपद और वास, उपवास। फिर है दुर, दुर का होता है अर्थ कठिन या बुरा, तो दुर्बल, दुर्जिन आदि। फिर दुष्ट, कठिन या बुरा होना। यहाँ पे बताया दुर का भी अर्थ बताया कठिन या बुरा, और दुष्ट का भी कठिन या बुरा। तो दुष्ट का होगा दुसाहस, दुष्कर्म। नया शब्द क्या बनेगा, दुसाहस, दुष्कर्म। हिंदी के उपसर्ग, इन उपसर्गों का दूसरा नाम तद्भव, तद और उपसर्ग भी है। इनका प्रयोग हिंदी शब्द के प्रयोग में किया जाता है। जैसे अब देखेंगे हम नए शब्द उपसर्ग, अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अब देखेंगे हम कि आ का क्या बताया है, आ से अर्थ बताया है अभाव, रहित। आ का अर्थ क्या बताया, अभाव और रहित। आ से बन जाएगा असहाय, अछूत, अनजान, क्या है, अनजान। फिर है अन, अन याने निषेध या अभाव, किसी चीज का अभाव होना, अनजान। आ लग के क्या बनेगा, अन लग के अनजान, अनपढ़। फिर औ, औ याने हीन या बुरा। औ शब्द का अर्थ क्या है, हीन या बुरा। तो इससे जुड़ के बनेगा औ घर, औजार, औजार। फिर उन, एक कम, यानी इसमें आ जाएगा एक कम यानी 29 लग जाएगा, उन लगा के 49 आदि। आगत या विदेशी शब्दों उपसर्ग पढ़ाएंगे अब हम। तो आगत या विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं, उर्दू, अरबी भाषा, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्ग इसी में आते हैं। जैसे बताया है कि अल, उदाहरण के लिए क्या बताया, यहाँ पर देखेंगे आप अल, अल में आएगा अर्थ निश्चित, एक निश्चित होना। अलगत, इससे शब्द नया क्या बनेगा, अलगत, अलगराज आदि। एन, एन यानी ठीक, अच्छा। फिर एन वक्त, क्या बनेगा शब्द नया, एन वक्त या एन मौके, कम थोड़ा, कहते हैं ना हम बहुत कम है, उसका क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा होना। कम तर, तट, कम तट। कम उम्र, उम्र के आगे क्या लगा है, कम, ये उपसर्ग लगा हुआ है। फिर खुश, खुश का अर्थ है प्रसन्न होना, खुश होना, खुश मिजाज। क्या बनेगा शब्द यहाँ पर, खुश मिजाज, खुशबू, खुश लगा है ना, तो ये खुश उपसर्ग शब्द लगा हुआ है। फिर गैर, गैर का आएगा पराया होना या नहीं, तो गैर हाजिरी, गैर जरूरी। क्या लगा यहाँ पे, गैर शब्द से क्या बना, गैर हाजिरी और गैर जरूरी। फिर है उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत अपव्यय, जैसे आ, अभाव। अभी हमने पिछला भी पढ़ा ना, अभाव, अज्ञान, अधर्म, अजान, ये शब्द अपन ने जुड़कर पढ़े उपसर्गों को। अब पढ़ेंगे कि संस्कृत में भी कैसे होता है। फिर आ का है अभाव, यहाँ भी आ का अभाव अर्थ बताया है अज्ञान।